नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेसन नंबर 2 के प्रश्न और उत्तर करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदे उत्तरम लिखत, जबकि हमने पहले इन प्रश्नों के विषय में डिस्कस कर लिया था। और एक बार और देखिए, सिंगत से नाम किम, सिंगत से षष्ठी विभक्ति एक वचन काके की, तो शेर का नाम क्या, शेर का नाम क्या था, तो शेर का नाम था खरन खरे। तो उसका आंसर लिखेंगे दोस्तों खरन खरे, खरन खरे ये नाम था शेर का, सिंगल से नाम खरन खरे लिख देंगे। एक पद में आंसर पूछा जाता है तो पूर्ण विराम लगाना न भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहाया स्वामी क्या सी, गुफा का स्वामी कौन था, तो कैके स्थान पर आंसर लिखेंगे हम दधी पुच्छ, दधी पुच्छ किसका नाम था ये दोस्तों, ये नाम था गीदड़ा। श्रीगलत से नाम दधिपुच्छ आसी, गुफा का स्वामी कौन था, श्रीगाल है, उसका नाम क्या था, दधिपुच्छ। जो गुफा का स्वामी था उस गुफा में रहता था, वो श्रीगाले रहता था, गीदड़ रहता था, उसका नाम था दधिपुच्छ। तो पूछा गया है कि गुहाया स्वामी क्या आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, तो हमारा आंसर होगा दधिपुच्छ। नेक्स्ट, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के पास में आया, किस समय आया, तो सूर्यास्त समय, आंसर क्या होगा हमारा, सूर्यास्त समय आंसर लिखेंगे, सूर्यास्त समय और पूर्ण विराम लगा देंगे। सूर्यास्त समय जब सनसेट हो रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय सिंगे कस्मिन समय गुहाया समय पे आ गए थे, से किस समय गुफा के पास में आया, सूर्यास्त के समय गुफा के पास में आया। नेक्स्ट है, हस्त पादादि का क्रिया केशाम ने प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर की क्रियाशीलता किसके नहीं प्रवर्त हो रहे थे, तो किसके काम नहीं कर रहे थे, तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों यहां पर, इसका आंसर यहां पर लिख दीजिए आप, तो भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसा, भय से भयभीत हुए लोगों के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे। यह आंसर लिखेंगे, गुफा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई, तो शेर जोर से गर्जना करने लगा गुफा के अंदर से, तो शेर की गर्जना से वो गुफा प्रतिध्वनित हुई, शेर की गर्जना से, तो लिखेंगे उच्च गर्जने, उच्च गर्जने, शेर की उच्च गर्जन से वो गुफा प्रतिध्वनित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मंदुषात अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंदुषात से अव्यय पद चुन करके वाक्य पूरे पूर्ण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर सदा का मतलब हमेशा, बही मीन्स बाहर, दूर मीन्स दूर, तावत मीन्स तब, तरही मीन्स तो, तदा मीन्स तब। तो देखिए, यदा दसवादन भवति, जब 10 बज जाते हैं, तदा छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, तब छात्र विद्यालय जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे तदा। वैसे यदा और तदा दोनों पेयर में आते हैं अधिकांश से। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो कब उदय होता है, यहां पर लिखेंगे हम सदा, हमेशा, अंडरलाइन कर देते हैं सदा, हमेशा, हमेशा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीगालय गुहाया आसी, गीदड़ गुफा के था, कहां था, बाहर था, तो आंसर लिखेंगे यहां पर वही, वही मीन्स बाहर, गीदड़ गुफा के बाहर था। सेचे यावत पश्यति, और वह जब देखता है, तदा सिंह पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, तो यहां पर यावत लिखा हुआ है, तो यहां पर तावत आएगा, ये भी अधिकांश है जोड़े के साथ आते हैं, तो लिखेंगे तावत, तावत। और वह जब देखता है, तब शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के, गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई देते हैं। श्रीगाल अपि तते प्लाय माने अपठ, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों हम दूरम, गीदड़ दूर से ही प्लायमान कर गया, भाग गया।
यदि सफलता में इच्छसी, यदि सफलता चाहते हो तो आलस्यम त्यज तो तरही मन सुतो, आलस्य त्याग दीजिए। यदि सफलता चाहते हो तो आलस्य त्याग दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दोस्तों खरन खरे कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर नामक शेर कहां रहता था। तो दोस्तों पूर्ण वाक्य में आंसर लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, खरन खरे वने, कुत्र के स्थान पर लिखेंगे आंसर वने वने, फिर लिखेंगे प्रति वसति इसमें, ये इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, खरन खर वन में रहता था। प्रतिवस्ति इसमें वन में, और सॉरी प्रतिवस्ति इसमें का रहता था वने वन में, खरन खरे खरन खर, खरन खरे वने प्रतिवस्ति इसमें, खरन खर वन में रहता था। महतिम गुहा दृष्टवा सिंह है कि मैं चिंतित, बड़ी गुफा को देखकर के शेर ने क्या विचार किया। तो आंसर लिखेंगे हम महतिम, आंसर गुहाम दृष्ट्वा सिंहे अचिंतयत। दोस्तों कल भी इसके विषय में डिस्कस किया था, क्या विचार किया बड़ी गुफा को देख करके, ये विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। तो क्या आंसर लिखेंगे आप यहां पर, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव है आगच्छति। नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रौ रात्रि में कोऽपि जीव, कोई भी जीव आगच्छति आता है, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूं। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीगाले किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा। गीदड़ ने सोचा कि अहो विनिष्टो अस्मि नूनम बिले सिंह अस्ति, अरे मैं नष्ट हो गया हूं, निश्चय ही बिल में शेर है, इति तर्कयामि, इस प्रकार सोचता है, तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं, अहो विनिष्टोऽस्मि, अहो विनिष्टोऽस्मि नूनम बिले सिंह अस्ति। आंसर देखिए, अहो विनिष्टोऽस्मि नूनम बिले। दोस्तों देखिए ध्यान से, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूं, नूनम बिले निश्चय बिल में सिंह है अस्ति शेर है, इति तर्कयामि, नूनम बिले सिंह है अस्ति निश्चय बिल में शेर है, इति तर्कयामि, इस प्रकार विचार करता हूं, और तत् किम करवामि, तो मैं क्या करूं, तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं, इस प्रकार से गीदड़ सोचता है, निश्चय ही विनिष्ट है अस्मि, मैं विनिष्ट हो गया, नष्ट हो गया हूं, निश्चय ही बिल में शेर है, इस प्रकार तर्कयामि सोचता हूं, तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। श्रृगालय कुत्र पलायित है,
गीदड़ कहां भाग गया? गीदड़ कहां भाग गया दोस्तों? दूरम। तो आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं कि श्रृगालय दूरम पलायित है, गीदड़ दूर भाग गया, गीदड़ दूर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम विचारे सिंह है श्रृगालय से आह्वान मैं करूं, क्या विचार करके शेर गीदड़ का आह्वान करता है, क्या विचार करके आह्वान करता है? कि मम आह्वानम श्रुत्वा, कि मेरा आह्वान सुनकर के से बिले प्रवेश में भोजन भविष्यति, कि मैं बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इति विचारी, इस प्रकार विचार करके सिंगे श्रृगालस से आह्वान मैं करूं, शेर गीदड़ का आह्वान करता है। ठीक है दोस्तों, मम आह्वानम श्रुत्वा, मेरा आह्वान सुन करके से बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति। देखिए मम आह्वानम श्रुत्वा, आंसर नेक्स्ट, मम आह्वानम श्रुत्वा से बिले प्रविश्य मम भोज्यम, मम के स्थान पर मैं भी लिख सकते हैं, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा आह्वान सुनकर के वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इति विचारिये, इति विचारिये, इस प्रकार विचार करके सिंह श्रृगालस्य से आह्वानम आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार से आंसर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि अश्याम खतायाम इस कहानी में कस्य चातुर्य, किसकी चतुरता निरूपितम वर्णन की गई है, सिंगल से या श्रृगाल से, शेर की या गीदड़ की? तो कस्य के स्थान पर लिखेंगे हम श्रृगाल से, और जो अश्याम कथायाम ये ऐसे की ऐसे लिख देंगे हम, अश्याम कथायाम श्रृगाल से चातुर्यम लिखेंगे, चातुर्यम निरूपितम निरूपितम, इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। तो एक बार सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरन खरे कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें खरन खर नाम का शेर कहां रहता था? तो खरन खरे वने प्रतिवस्ती, इसमें खरन खर नाम का शेर वन में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रृगालय किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, तो श्रृगालय अचिंत्यत अहो विनिष्ट अस्मि नूनम बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवात, कि मैं नष्ट हो गया हूं, निश्चय बिल में शेर है, इस प्रकार सोचता हूं तो विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृगालय पुत्र पलायित है, गीदड़ कहां भाग गया? तो लिखेंगे पुत्र के स्थान पर श्रृगालय दूरम पलायित है, गीदड़ दूर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम विचारे सिंह श्रृगालय से आह्वान में क्रोध, क्या विचार करके शेर गीदड़ का आह्वान करता है, क्या विचार करके आह्वान करता है? इसलिए देखिए, मम आह्वानम श्रुत्वा, मेरा आह्वान सुन करके से बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इति विचारे सिंह श्रृगालस्य से आह्वान करो, इस प्रकार विचार करके शेर गीदड़ का आह्वान करता है। नेक्स्ट है, अश्याम कथायाम कस्य चातुर्यम निरूपितम सिंहस्य श्रृगालस्य, इस कहानी में किसकी चतुरता का वर्णन किया गया है? अश्याम कथायाम श्रृगालस्य से चातुर्यम वर्णितम, इस कहानी में गीदड़ की चतुरता का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, मधुसात है अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मधुसात से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो देखिए, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य, एक वन में कोई व्याधमिन शिकारी जाल को फैला करके स्थित है, बैठ गया। कहां बैठ गया? दूरे, दूर बैठ गया, जाल को फैला करके वो दूर बैठ गया, दूरे। यहां पर लिखेंगे दूरे। नेक्स्ट है, आकाश से परिवार है कपूत राजा चित्रग्रीव निर्गत है, आकाश में परिवार के साथ कपूतरों का राजा चित्रग्रीव निकल रहा था। तत्र वहां, वहां आकाश में परिवार के साथ कबूतर का राजा चित्रग्रीव निकल रहा था। तो तंडुल कणा नाम ऊपरी कपोता नाम लोभ जाते, तंडुल चावलों के दानों के ऊपर कबूतरों का लालच हो गया। क्रम से क्या मतलब? धीरे धीरे, एक के बाद एक। तो यहां पर लिखेंगे हम क्रम से उनका लालच हो गया। नेक्स्ट है, कपूत राजा तत्र सहमत है नासी, कबूतरों का राजा वहां सहमत नहीं था। तो यहां पर लिखेंगे परंतु, लेकिन कबूतरों का राजा वहां सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, क्या थी? कि अत्र निर्जने वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यहां निर्जन वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। अत्र निर्जने वने, यहां निर्जन वन में कोऽपि मनुष्य नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है। कुतो वा तंडुल कणा नाम संभव है, तरी का मतलब तो तंडुल कणा नाम चावलों के दाने कुतः संभव, कैसे संभव हो सकते हैं? फिर राज्ञे उपदेशम अस्वीकृते ते नीचे आ गया, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके वे नीचे आ गए। यदा, जब वे राजा के उपदेश को अस्वीकार करके नीचे आ गए, तदा तब जाले निपीटता जाल में गिर गए। अतः उत्तम इसलिए कहा गया है कि सहसा अचानक है, विद्युत ने क्रिया कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य सोच समझ करके करना चाहिए दोस्तों, कार्य सोच समझ करके करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखन, देखिए सबसे पहले इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। गुहाया स्वामी ददिपुच्छे नाम श्रीकाले समागच्छत, सिंह एका मैत्रीन गुहा में प्रश्न, गुफा के स्वामी ददिपुच्छ नामक गिदड़ आया, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया, दूर से ही गिदड़ आवाज करना प्रारंभ किया, दूर भाग गया गिदड़ और श्लोक को पढ़ा, गुफा में कोई भी है इति श्रृगाल से विचार, ये श्रृगाल का विचार था, सिंह श्रृगाल से आह्वान रखो, शेर ने गिदड़ का आह्वान किया। तो नंबर 1 पर लिखेंगे, सबसे पहला परिभ्रमण सिंह सुधार्थ जाता है, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। नेक्स्ट है, सिंह एका मैत्रीन गुफा में प्रश्न, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, नेक्स्ट, गुहाया स्वामी ददिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी ददिपुच्छ नाम का गिदड़ वहां आ गया। नंबर 3 ये है। नेक्स्ट है, क्या सोचा उसने? कि गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालय से विचार है, कि गुफा में कोई भी है ये गिदड़ का विचार था। नेक्स्ट, दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही गिदड़ ने आवाज करना प्रारंभ किया, दूर से ही गिदड़ ने आवाज करना प्रारंभ किया। तो सिंह श्रृगाल से आह्वान न करो, शेर ने गिदड़ का आह्वान किया और क्या हुआ फिर? दूरम पलाय माने श्रृगाल श्लोकम अपठत, दूर भाग गया और गिदड़ ने श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा श्लोक? जो हमारे लेसन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह बताया कि बिल को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।